पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे हमारे संस्कार बनते हैं, कर्म बनते हैं, कर्म बंध कैसे बनते हैं। तो इसी में हम इसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जैसे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ने देखा तो एक बार वो ज़रूर देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने डीपली बात किया था उसके बारे में। अभी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ मैंने क्या बात किया था कि जैसे कि कोई हमारा चार तरह की चीज़ें रहती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ठीक है, चार चीज़ें। तो जैसे क्या होता है कि हमें कैसे हमारा संस्कार बनते हैं कि किसी ने कोई बुरी बात हमें बोली, ठीक है, जैसे बुरी बात बोली तो कान क्या करता है, कान, उस कान में वो विषय लगा रहता है मन का सुनने के लिए। तो जैसे कान में वो बात पड़ी, वो कोई गाली दी या किसी ने कुछ बुरा बोला आपको, तो कान पे तंबड़ तंबड़ कुछ समझ नहीं आता। बच्चे को देखो, बच्चा कभी बुरा फील नहीं करता अगर उसको गाली देते हैं। लेकिन जैसे ही कान पे तंबड़ तंबड़ हुआ, उसने मन को भेजा, मन ने उसका क्या किया, उसको समझने की कोशिश की कि ये अच्छा वर्ड है बुरा वर्ड है, कैसे, पुराने संस्कार की वजह से। अभी कैसे, जैसे मन में पड़ा, तर्क वितर्क किया, उसने बुद्धि को भेजा कि ये चीज़ बुरी है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने, हमारी सोसाइटी ने हमें बताया कि गाली बुरी वर्ड है। तो जैसे ही वो संस्कार बन के, जैसे वो बुद्धि में पहुँचा, तो बुद्धि क्या करती है, आगे अहंकार को भेजती है कि ये चीज़ इसको बुरी लगी, ये चीज़ इसकी बुरी झोली में डाल दो। इसी तरह ही अच्छी बात अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आपके कानों में पड़ता है, कान से मन जो है हमारा तर्क वितर्क करके बुद्धि को भेजता है, बुद्धि डिफाइन करती है कि ये चीज़ इसको अच्छी लगी, इसकी एक अहंकार को भेजती है कि ये चीज़ इसको अच्छी लगी, इसकी अच्छी झोली में डाल दो। तो ये हमारे क्या संस्कार बन जाते हैं डे बाय डे। तो इसी वजह से जब हमें नेक्स्ट टाइम, पहले कम हमारे फर्स्ट टाइम जब हमें पता चल गया कि गाली गंदा वर्ड है, हमारे अहंकार में चला गया, तो नेक्स्ट टाइम जब हमें गाली देगा तो कोई भी, वो मन में जाएगी, तो मन हमारा डिफाइन करेगा, बुद्धि को भेजेगा, बुद्धि बोलेगी ये तो बहुत गंदा वर्ड है, तो वो चित्त पे भेजेगी। चित्त से क्या होगा कि चित्त आगे से मन अहंकार से पूछेगा, ईगो से, तो ईगो बताएगी कि ये तो बहुत गंदा वर्ड है, वहाँ से विकार उठेंगे, प्लस ऊपर से जो आप किसी ने गाली निकाली वो, ये दोनों मिलके फिर एक विस्फोट का रूप लेते हैं जिससे हमें गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, ये सब चीज़ें होती हैं। इसी तरह ही हमारा अच्छी चीज़ों में भी ऐसे होता है। तो इसको स्पिरिचुअलिटी में राग और द्वेष बोलते हैं। राग भी बुरे हैं, द्वेष भी बुरा है। बुरा नहीं कह सकते, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से जब ये एक्टिविटीज़ करती है चीज़ें, राग और द्वेष जब अपनी मर्ज़ी से आते हैं, लाइक बाहर कोई प्रतिक्रिया घटी जहाँ आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे खाने में कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो आपकी अहंकार में क्या संस्कार पड़ा होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो चारों चीज़ें जब मिलके काम करती हैं तो हमारे अंदर से क्या निकलता है कि मुझे और चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और चाहिए। ठीक है, तो इसी में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ की अति में चले जाते हैं। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम लोग और उसको ज़्यादा ज़्यादा अंदर से हमें क्या चाहिए, चाहिए, चाहिए। तो अगर हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये कहाँ से शुरुआत होती है, अहंकार से, ईगो से जिसको बोलते हैं, और वो हमारे अंदर होते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें पनपती हैं। जब वहाँ से कोई भी एक्टिविटी अपने आप होती है, हमें राग और द्वेष होते हैं, तो वहाँ से हमारे केमिकल्स में, हमारी साइकोलॉजिकली में पूरे चेंजेस हो जाते हैं, और हमारे ऐसे जिसको बोलते हैं कि टेंशन, एंग्जाइटी, और ये सब चीज़ें वहाँ से उसकी वजह से होते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने चाहिए 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 करके हमारे को साइकोलॉजिकली वैसे ही केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी में, जो कि क्रेविंग करने के लिए कि मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, या फिर नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, गलत चीज़ें, तो उसकी वजह से हमारे माइंड में क्या है, ऑटो पायलट पर ये चीज़ें डीप विद इन चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें 80 टाइप्स ऑफ बीमारियाँ लगती हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि अगर हमें हमारे संस्कार जो बनते हैं इसकी वजह से हम लोगों को किस तरह प्रॉब्लम्स आती है, और इन प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या तरीके हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।